माइक ठीक करो अल्ताव साहब आवाज नहीं आती वैल्यूम मत काट जानकार होवे हर इंसान मारो दिशा चमको वीडियो चल लाइव कर रोशन जो हर मैदान मारो निजामी साहब अपनी कौम का नाम याद हो गया सारी कौम को बड़ा प्रधान मीडिया ने ऐसे चली गई थी डर के रखते आप जोर के भीड़ राज जब कोई उनको नूर हार जा इतने ता होगा रोशन है मैदान मारो अपनी कौम का नाम अंदर हो गया सारी कौम को बड़ा प्रधान मारो जड़ो बन बना जा तो तोड़ियो जड़ो बन बना जा तोड़ियो गा चुड़ियो कौम को बीच की बन मारो जड़ो बन बना जा तोड़ियो गा पूरी कौम को बीच की बन मारो तमना गल करी छी याद जो दिल्ली का भी हुक्मरान मारो फिर पूरी का दूसरा पहाड़ियां मार पिछड़ा पिछड़ा होया था हुई मुसलमान मारो पानी पी घर बैठा नहीं भरिया था जब से हिम्मत करके बीच मैदान आ जा लड़न सीख ले लड़ू सीख ले लड़ गया हक अपनू बंदा कौम का नौजवान आ जा बाजी ले जा खस के बाजी ले जा खस के हक तेरू अपनो हक मंगन अपनो हक अटूट पहचान आ जा ते बन जा पूत सपूत हुन कौम को तू बन जा पूत सपूत हुन कौम को तू कुछ अपनी भी हक मुड़ जान आ जा तिना छोड़ पिछा अगर टप गया मेरे घर के हो जा नाल तू भी पर इलम का कर्म काटा तू जरा अपनो आप संभाल तू भी बिना छोड़ के चाह गया तक दिया मेहनत कर के हो जा नाल तू भी दोष है रोकन को तो मालिक रब रहीम खुदा सब को दीमा समझ लगी का नाल तू भी
अगर दूजा ना तू हिम्मत है कदम 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 रख ले ना ना तू भी वालेकुम सलाम सुल्तान हुसैन ने नौजवान का नाम पैगाम दे रहा था अब्दुल रशीद बेदार अपना शायरी का लहजा मां शायरी में वाह इन्होंने क्यों कहे शायरी में अगर उकड़ी गल भी कही जाए तो बर्दाश्त हो जाए दरअसल शायरी मोहब्बत को पैगाम ही नहीं शायरी कौमी इस्लाह वास्ते कौम की तरक्की मां कौम की फलाह बहबूद मां प्रेजेंट कर रहे हैं मारा पड़ा हथकंडो और शायर हिस्सास जहानियत को मालिक है इस कर गए जो उसकी नब्ज जड़ी है वो माशरा के नब्ज के ऊपर गहरी बीड़िया में रखे नजर और मारा पड़े ये मुशायर होते हुए इतने अख्ताम पतीर है इसके बाद मारा पड़े चंद गुलकार है वे अपना फन वो मुजाहिर करेगा सबसे पहले मेरी गुजारिश है फ्री फैलगामी ना कि वे अपनी आवाज को जादू जगावी और पहलगाम की धरती के अंदर अपना फैलगामी ना हो इस तरह रोशन करी कलाम Thank you.
ਮਰੀਦ ਪਹਿਲਗਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਜਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਫਲ ਨਾਮ ਮਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਦੂ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਤਰਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿ ਵਹ ਆਪਣੋ ਜਾਦੂ ਜਗਾਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਅਤੇ ਗੋਜਰੀ ਸੰਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਮੁਖਤਸਰ ਯਾਦ ਹੈ ਸੱਚ
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਬੜਗਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਜ਼ਾਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ